कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और उनका काम हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है इन दिनों शहर के मां सती दाक्षायणी मंदिर परिसर में। एक जमाने में कंटीली बबूल से अटे इस इलाके में मेहनत की रजत बूंदों से आज हिमालय की तराई वाले पेड़ पौधे यहां लहलहाते नजर आ रहे हैं। रेत का दरिया बाड़मेर। देश भर में रेगिस्तानी जिलों में से शुमार बाड़मेर की छवि उड़ते रेत के टीलों और धूल भरी आंधियों वाले लंबे चौड़े भूभाग की ही है। लेकिन कहते हैं कि हर तस्वीर बदलती है, बस बदलने की कुव्वत होनी चाहिए। बाड़मेर शहर के माता दाक्षायणी मंदिर में मेहनत एक पहाड़ी इलाके को बदलती तस्वीर बयां करती नजर आती है। कभी कंटीले बबूल से अटा यह क्षेत्र आज पूरी तरह से बदल चुका है। माता दाक्षायणी मंदिर में आज चंदन और अशोक के पेड़ लहलहा रहे हैं। यहाँ औषधीय पौधों की भी भरमार है। यहाँ इलायची, जामुन, मेहंदी, अंगूर, कमल, गरम मसाला, तेज पत्ता समेत 3 दर्जन से अधिक अलग अलग किस्मों के पौधों से हरितमा की चादर से पहाड़ भरा भरा नजर आता है। माता दाक्षायणी मंदिर के वासुदेव जोशी बताते हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त यहाँ हर तरफ कंटीले बबूल ही नजर आते थे, जिस पर शांतिहर जोशी समाज के युवाओं और लोगों ने बीड़ा उठाया बड़े बदलाव का। यही वजह है कि आज यहाँ बबूल दूर तलक नजर नहीं आता। मंदिर कमेटी ने बदलाव के प्रण ने यहाँ हिमालय की तराई वाले पेड़ पौधों की ग्रीन वैली सी बना दी है। मैं सती दाक्षायणी मंदिर बाड़मेर समिति का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पिछले 8 वर्ष से यहाँ पर्यावरण के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस मंदिर परिसर में काम कर रहा हूँ। कौन कौन से पौधे लगाए यहाँ पे? मैंने लगभग 100 किस्म के 700 से 800 पेड़ पौधे हैं, जिसमें अधिकतर पेड़ जो हैं औषधीय पौधे हैं। जैसे कि औषधीय पौधों में गुड़हल बहुत कारगर साबित होता है, इसी प्रकार से जो अशोक है, अशोक के काफ़ी पेड़ है, पारिजात है, पारिजात के पत्ते बहुत औषधीय गुणी उपयोगी होते हैं, उसके काफ़ी पेड़ हैं यहाँ पे। और अभी वर्तमान में मैं यहाँ पे जो है चंदन के पेड़ लगाने प्रयास कर रहा हूँ। मैं 2-3-4 पेड़ लगाए भी हैं, को इलायची के 2-1 पेड़ लगाए हैं और इसी के क्रम में तेजपान जो गरम मसाले में जो काम आता है उसका भी पौधे लगाए हैं। और विभिन्न किस्मों में जैसे रुद्राक्ष है, बिलपत्र के इस परिसर में 25 से अधिक पेड़ है होंगे। ऐसे ही जैसे कड़ी पत्ता जिसको कहते हैं मीठा नीम के इस परिसर में 10 से 12 पेड़ पौधे हैं। तो इस प्रकार औषधीय पौधों को प्राथमिकता दी जाती है। एक तरफ सरकार जहां हर मानसून में पौधे लगाने के कई आयोजन करती है, लेकिन माता दाक्षायणी मंदिर में युवाओं और समाज के लोगों ने कुछ अलग करने के जज्बे ने यहां की फिजा बदल कर रख दी है। शहर के सूर्येश्वर मंदिर की तलहटी में बना माता दाक्षायणी मंदिर आज पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल बना नजर आता है।